ग्रहण कर लग जाए तो संख्याएं जाती है। तो मान लेते हैं कि माना एपी की चार पद क्रमश ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी है। ठीक है, प्रश्न से इनके योगफल की बात करें चार पदों के, यानी कि a माइनस थ्री डी, ए माइनस का d, a प्लस का d और यहाँ पर a प्लस का 3d, ये कितना है आपका 42। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 4a बराबर में 42, ये जाएगा भाग में। ठीक है, तो आपका 42 और बटा में 4 है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना जाएगा आपका 2 और यहाँ पे 21, ए का मान 21 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद कहता है कि अब कह रहा है कि इसके प्रथम पद यानी कि a माइनस थ्री डी और चौथे पद a प्लस थ्री डी, इन दोनों का गुणनफल जो है ना वह कितना है 90 है। इसका मान यहाँ पे 21 बट्टा 2 रख देते हैं, ये बराबर 21 बट्टा 2, 21 बट्टा में 2 माइनस का 3d, 21 बट्टा 2 प्लस का 3d इक्वल टू में 90। चलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 21 बट्टा 2 का स्क्वायर माइनस में 3d का स्क्वायर इक्वल टू में 90। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 440 बटा में 4 माइनस 9 डी स्क्वायर बराबर में 90। 441 बटा में 4 माइनस का 90 इक्वल टू में 9 डी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं 441 और माइनस करना तो 36, 360 बराबर में 9 डी स्क्वायर, तो ऊपर 81 और बटा में 4 इक्वल टू 9 डी स्क्वायर। इसको भाग में लेते हैं, 81 बटा में 4 गुना में 9 डी स्क्वायर का वैल्यू होगा ये 981, यानी कि अब लिख सकते हैं इधर d इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 9 बट्टा 4, यानी कि d का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3 बट्टा, प्लस माइनस 3 बट्टा। तो यहाँ पे ले लेते हैं पहला केस, जब a का मान है 21 बट्टा 2 और d का मान है 3 बट्टा 2, तो चारों पद पहले निकालते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a माइनस का 3d, 21 बट्टा 2 माइनस 3 गुना में 3 बट्टा 2, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं 2, 21 और माइनस का 9 घटा देते हैं ऊपर कितना आ जाएगा आपका 12 बट्टा में 2 कट के 6 आ जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं दूसरा पद a माइनस का d, यानी कि 21 बट्टा 2 और माइनस का 3 बट्टा 2, 21 18 बट्टा में 2 कट जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पद, तीसरा पद a प्लस का d, यानी कि हो जाएगा 21 बट्टा 2 और प्लस का 3 बट्टा 2, 24 बट्टा में 2 कट जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, चौथा पद, चौथा पद यानी हो जाएगा a प्लस का 3d, 21 बट्टा 2 प्लस का 3 गुना में 3 बट्टा 2, एलसीएम हो जाएगा 2, 21 और प्लस का 9, 3 3 9, 30 बट्टा में 2 कट जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये चार पद निकल के अब दूसरी स्थिति लिखते हैं, केस सेकंड कि जब a बराबर में 21 बट्टा 2 और d बराबर में माइनस का 3 बट्टा 2 होगा तब क्या होगा। चलिए चारों पद निकालते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि a माइनस का 3d, 21 बट्टा 2 माइनस माइनस 3 बट्टा 2, 3 इंटू में 3 बट्टा 2, एलसीएम हो जाएगा 2, 21 और प्लस का यहाँ पे 9, 30 बट्टा में 2 कट के 15 आ जाएगा। फिर दूसरा पद देखते हैं, दूसरा पद a माइनस का d, यानी कि हो जाएगा 21 बट्टा 2 माइनस का माइनस 3 बट्टा 2, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 21 प्लस का 3, 24 बट्टा में कट जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। चौथा, तीसरा पद a प्लस का d, यानी कि हो जाएगा 21 बट्टा 2 प्लस
माइनस का 3/2, यानी कि हो जाएगा ऊपर कितना 18/2, कट जाएगा 9 आ जाएगा। चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस का 3d, यानी हो जाएगा 21/2 प्लस का 3 × −3/2। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2 21 − 9, ऊपर आ जाएगा 12/2, कट के 6। तो यहाँ पे भी चारों पद अगर ऊपर भी हमने निकाल दिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है फर्स्ट